अरे भाई इतनी पॉटी कौन धोएगा, इतनी पॉटी कौन धोएगा, इतनी गाड़ी आ जानी चाहिए, मेरे पैरों के बीच में टायर आ जानी चाहिए, मतलब गलत है वैसे आ जाए तो पैरों के बीच में टायर। पेट भाई बहुत बहुत ही ज्यादा बाहर आ रहा है, कोई बात नहीं, मैगी वगैरह ठूसी है अभी, ब्रेकफास्ट हो गया, अब हम निकलते हैं ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, क्योंकि बहुत माइक तो नहीं दब रहा, क्योंकि ग्रोसरी बहुत बुरी तरह से खत्म हो रखी है और लिटरली टॉयलेट पेपर भी भाई साहब एक ही बचा है और ये सब मैंने खाली कर दिया यूज कर करके, तो भाई अब तो जाना पड़ेगा जबरदस्ती। मतलब मेरे साथ कैसे है कि अगर जब तक ग्रोसरी खत्म नहीं होती, मतलब बिल्कुल ऐसे जलील वाला मोमेंट आया कि नहीं हैंग भाई कुछ ना, फ्रिज में दूध है, दो दूध के पैकेट फेंके, दो लेके आए तो दोनों खत्म हो गए, कुछ भी नहीं, ब्रेड भी नहीं, अंदर कढ़ाई थी ऑमलेट बनाया था अंदर ही रख दिया, मतलब एक भुर्जी बनाई थी ऑमलेट नहीं वो भी अंदर रख दिया, ये देखो। तो अभी मैं जाता हूँ ग्रोसरी लेने के लिए। तो वेरी गुड मॉर्निंग क्योंकि बाहर जाना है ना भाई, तो अच्छे दिख, अच्छे बन के जाने, कोई लड़की वड़की देख ले तो पता तो लगे बड़े यूट्यूबर है, वैसे इरादे अपने कोई है नहीं। तो भाई बाल तो काफी ज्यादा बड़े हो गए और काफी लोग पूछते हैं भाई बाल कैसे बनाते हो, तो भाई मैं हेयर ड्रायर यूज करता हूँ और अपना तौलिया, ठीक है, तौलिया बाथरूम से निकल के मस्त ऐसे पोंछ लेता हूँ, उसके बाद आई ड्राई माय हेयर विद द हेयर ड्रायर एंड आई यूज दिस, ये हेड गियर की वो है वैक्स है नहीं मोल्डिंग मड है, और ये आई थी $2 की, ये 100 रुपए की है, तो मस्त अपने बाल खड़े हो जाते हैं और फिर से बैठ गए यार, इतनी मुश्किल से खड़े करे थे, हल्के से झुक गए ना, बेंड हो गए, तो ये धीरे धीरे करके बिल्कुल ही बेंड हो जाएंगे क्योंकि बाल काफी ज्यादा बड़े हो गए, फिर लिल्ली से बातचीत करनी पड़ेगी कब फ्री है, तो उससे बाल कटवाएंगे फिर हम। अभी के लिए हम चलते हैं कॉस्टको, और कॉस्टको अगर आप लोगों को नहीं पता क्या है कॉस्टको, तो कॉस्टको इज अ US बेस्ड सुपर मार्केट इन ऑस्ट्रेलिया, काफी बड़ा होलसेल में सामान मिल जाता है वहाँ पे, हमें को टॉयलेट पेपर खत्म हो गया जैसे आप लोगों ने देखा, तो भर के चाहिए फिर ट्रेन, ये फास्ट वाली ट्रेन है, बहुत तेज आती है ये, अभी बड़ी स्लो है मेरे आगे, तेज आएगी स्टेशन यहीं पे। तो हाँ काफी सारे टॉयलेट पेपर लेने हैं, ग्रोसरीज लेनी है, सामान लेना हो आप सबको आराम से दिखाते हैं, ऊबर वाला भाई जा रहा हो देखो, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ है भाई ऊबर वाला की, बहुत मतलब जो भी बच्चा यहाँ पे आता है ना बहुत स्ट्रगल, चलो आराम से बात करेंगे इसके बारे में। क्रीम लगानी थोड़ी जरूरी रहती है क्योंकि ड्राइनेस बहुत ज्यादा शक्ल पे, और गोपरो दाने दाने खूब दिखा रहता है मेरी शक्ल पे क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रेनी वीडियो आती है। भाई ये वाली सिविक से मेरे को प्यार है बहुत, ये सिविक RS काफी महंगी आगे से बहुत क्लासी दिखती है, रुको एक मिनट दिखाता हूँ कोई बैठा ना हो, ये देखो आगे से क्या सुंदर है भाई, और यहाँ पे क्या है देखो इसकी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट खड़ी है, ये लाइन के ये आधी 75% लाइन पे होनी चाहिए गाड़ी, इन सब की परफेक्ट है, वो बाइक अलग, तो उस पर भी फाइन होता है अगर आप जब इधर ऑस्ट्रेलियन ड्राइविंग टेस्ट देते हो तो आपको पैरेलल पार्किंग करने को बोलते हैं, मतलब वो सब मैं जब लाइसेंस लूंगा तो बताऊंगा, अभी इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला रहा हूं, एज अ स्टूडेंट आप चला सकते हो न्यू साउथ वेल्स में, ऐसी पार्किंग करनी पड़ती है, देखो इसने परफेक्ट करनी, पीछे वाली डोई उसकी थोड़ी उधर रखी है, इसकी गाड़ी ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है, पैरेलल पार्किंग करनी होती है, अगर आपने साइड वाली साइड, मेरे को एक मिनट दिखाता हूं, अगर आपने ये वाली साइड टच कर दी ना पार्क करते हुए, ये वाली मतलब यहाँ पे पार्क करनी है, इतनी गाड़ी आ जानी चाहिए, मेरे पैरों के बीच में टायर आ जानी चाहिए, मतलब गलत है वैसे आ जाए तो पैरों के बीच में टायर, पर यहाँ तक ये टच नहीं होनी चाहिए, जैसे ये टच होगी आपका लाइसेंस फेल हो जाएगा, मतलब आपको पार्किंग नहीं आती, तो उसके करके मैं भी डर रहा हूँ, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरे को पैरेलल पार्किंग प्रैक्टिस करनी है। गाड़ी में बंदा बैठता है लाइसेंस वाले टाइम पे, चलो सब आराम से दिखाएंगे, अभी गाड़ी तक जा रहा था तो बातें मार रहा हूँ, बातें ही करनी है, ये गाड़ी बिल्कुल सही खड़ी है, ये भी सही खड़ी है, बाकी मैं तो हूँ नहीं कोई टेस्ट अप्रूव करने वाला, प्यारा कुत्ता है भाई, अगर मैं अपनी गाड़ी देखूं तो मैंने सही खड़ी करी है, ठीक है बिल्कुल सही भाई, इतनी सी मिस कर दी, बहुत बढ़िया पार्क हुई है, मतलब थोड़ी गलत है पर चलेगा काम, टच नहीं हुई, टच नहीं करनी पार्क करते टाइम, और पैरेलल पार्किंग में सिर्फ 3 बार टर्न देना, 3 पॉइंट टर्न ऐसे करके ऐसे, चलो बाद में बताऊंगा। भाई अभी आने वाली है पैरामेटा रोड, पैरामेटा में लिटकम में पड़ता है कॉस्टको, और बस हम पहुंचने ही वाले हैं, ऑन योर लेफ्ट इट्स सिडनी ओलंपिक पार्क, और ये ऊपर वाली टोल रोड है, इस पे से हम जाते नहीं क्योंकि टोल कटता है, एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट ऑन योर लेफ्ट, कहाँ जा रहे हो चाचा, कॉस्टको
लग रही है भाई वैगनार है यहाँ की, देखो टोयोटा की टोटोया वैगनार अच्छी लग रही है भाई। रुकुस नाम है उसका, रुकुस RUKUS। वी हैव शेर कपूर इन द हाउस, अभी इसकी शक्ल मोड़ के दिखाएंगे हम, मतलब कैमरा मोड़ के दिखाएंगे शक्ल। पार्क कर ले पहले हम, आज तो शॉपिंग कर ली अंकल ने पूरी। ओहो तो एक बात अच्छी है, कॉस्टको में अनलिमिटेड पार्किंग है, यू कैन पार्क इट टिल व्हेनेवर यू वांट। पर यहाँ से स्टेशन वगैरह दूर है तो कोई फायदा नहीं पार्क करने का, मिल जाए यार पार्किंग। तो हाय मिस्टर शेर कपूर। हाय। ऐसे क्या उदास उदास क्यों है? मैं आज भी नींद में हूं। आज भी नींद में? तो एज ऑलवेज शी इज ऑलवेज इन नींद, एज ऑलवेज शी इज ऑलवेज। कर दिया इंट्रो, कर दिया ऑलरेडी। अब ठीक है, नींद खुल गई? पता है इतनी भूख थी ना, भूख में नहीं ऐसे फ्रेश आई थी, फिर भूख में नींद आ गई। भूख में नहीं, ये नींद में भूखा क्या बोल रही है? धूप में नींद आ, अच्छा ना हो। तो मेरे को शेर ने बोला कि कॉस्टको से कर ले ग्रोसरी करनी है, तो ऐसा क्यों? कॉस्टको से ही क्यों? चल अंदर चल के बात करेंगे, यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, गाड़ियाँ गाड़ी के लिए थोड़ा हरा भरा सामान हो, ग्लैमर हो। हाँ मैं तो आ गए कॉस्टको। तो कॉस्टको में बिना आईडी के नहीं जा सकते, कॉस्टको के लिए यू नीड एन आईडी। आईडी मतलब कॉस्टको की मेंबरशिप आईडी। कॉस्टको की मेंबरशिप आईडी क्या होती है मैं दिखाता हूँ, ये मेरे पास है, मैंने खरीदी थी। तो ये होती है कॉस्टको की आईडी, मतलब मैं नंबर नहीं दी, ये कॉस्टको की आईडी है। ये होती है $60 की, और ये वर्थ होती है कि नहीं आपको अंदर चल के पता लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और बल्क में मिल जाती है। तो हाँ $60 की, और इसमें दो तीन लोग आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, तो मस्त चीज़ है ये, देखते हैं कितनी वर्थ है कि नहीं। मैं ये पहली बार शॉपिंग करने वाला हूँ। ठीक आ रही। और ये $99 की, ये $99 की प्यूमा की टी शर्ट है, देखो वैसे बाहर $13 की मिलेंगी, यहाँ $9 की। ट्रॉली ले अच्छी लग रही है, लेडीज की जेंट्स की है? पर लड़कियों की है, मैं की देख रहा हूँ। सर देखो लेनी है $10 की प्यूमा की टी शर्ट, ब्लैक $10 की ले ले, पिंक कलर की ले ले कोई, भाई ये पिंक कलर नहीं छोड़ती, ले ले हर चीज़ पिंक। सही लग रही है आंटी, प्यारी लग रही है आंटी, ले लो और बहुत बड़ी नहीं हो गई। अच्छा फिर मैंने इस गार्ड का भी काम कर सकती है ये यहाँ पे भाई नूडल मेकर भी है, देखो ऐसे मशीन के अंदर डालो, ऐसे उल्टी करेगी मशीन नूडल। जाम लगा दिया यहाँ तो, दो दो तीन तीन ट्रॉली। तो भाई ये टीवी लगे हुए हैं यहाँ पे, ये TLC की टीवी जो इंडिया में भी कम ही खरीदे हैं। तो ये वैसे $2,500 का है, $500 का ऑफ है यहाँ पे, और $2,000 का पड़ेगा, मतलब ₹1,00,000 का। तू बुला रही थी मेरे को, ये भी TLC का एंड पैंट बुला रहा, पैंट नहीं है यहाँ पे अभी, ये भी $1,500 का टीवी है। 90 days of mind, return policy। और ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता है कि तुमको कोई चीज चेंज करनी हो, मतलब तुम्हारा नो क्वेश्चन आस्क, जैसे US में भी होता है, तो आप 90 दिन के अंदर वापस कर सकते हो टीवी। मस्त देखे, अभी मैच शुरू हो रहे हैं, एक दो हफ्ते मैच देखो फिर टीवी वापस। साउंड्स लाइक अ प्लान, पैसे भी तो होने चाहिए। अगर हम फोन वगैरह देखें, 1900 का ये है, ये सैमसंग S20 अल्ट्रा 1879 ऐसे ऐसे करके लगे हैं, स्क्रीन शॉट ले लो जो आपको देखना है, रोक के एक सेकंड के लिए। मैं एक एक चीज़ का इस दुकान में प्राइस बताने लग गया तो हो गया ब्लॉग। $1,150 का है कि आईफोन का प्राइस कितने का है कॉस्टको के अंदर, ठीक है। जो एप्पल वॉच, पहले एप्पल वॉच देखते हैं, एप्पल वॉच का ये प्राइस है, सीरीज 6 का इसी का ये, और से ये आईफोन 12 मिनी का ये प्राइस है। एग्जैक्टली यही वाली चीज लेनी है। ओए अच्छा आउट ऑफ स्टॉक हो गया यार, उस दिन तो स्टॉक में कर ले। नहीं 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 पूरे फट फूसियाँ मारते रहे, इस सोडा में कर लेंगे। $1,800 और ये $1,949। तो भाई जो आईफोन जो 12 प्रो का जो प्राइस है वो मार्केट रेट से ऑस्ट्रेलिया इस कॉस्टो में $50 कम है। 1750 का आता है आईफोन, ठीक है। 12 प्रो मैक्स पता नहीं, दोनों में $50 का फर्क है, मैंने नेट पर चेक किया। हाँ यार मेरे को डर लग रहा है, शेर भी टोकेगा तो नहीं तेरी दुकान में? और हाँ तू, तेरी जॉब लगी है कॉस्टको में? बोलना आगे कुछ, तुमने बोल दिया, मैं बोलने लायक कि नहीं बच्चे? बोलना फिर भी, फिर से बोल। I got a job at, ऐसे करके अपने तरीके से बोलती है, ऐसे जबरदस्ती बोल रही है, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है। हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ ये लगी हुई है भाई, ये मार्च से देखो पूरी च्युइंगम का पेटी पैक चाहिएगा $10 का पूरा ऊपर तक।
ये भाई 2 किलो की वो रखी हुई है दही 800-400 रुपए की, मतलब ग्रीक योगर्ट है। दही अलग होती है, यही होती है पता नहीं, तो यही होती है मेरे ख्याल से। ये $15 की, ये लेना है मेरे को प्रोटीन वाला सामान। ऊपर एक दही में 15 ग्राम प्रोटीन, मस्त। वनीला योगर्ट सब मेरे को ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा हूँ। ये बटर रखा हुआ है, जैसे आपको पता है अमूल छोड़ के सब कुछ है यहाँ पे। बटर कितने का भाई? $19 का। कौन ले यार इतना, मतलब यही है यहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं। भाई मैं तो थकी गया यार, क्या व्लॉग बनाऊँ यार, इतनी सारी चीज़ें हैं भाई, कैसे दिखाऊँ आप सबको। साल साले, अरे मेरी ट्रॉली कहाँ जा रही है भाई, अरे उधर लग रहा है इधर काम की चीज मिल रही है। सिंगल पैकेट है 5-5 रुपए वाले, मतलब पता नहीं कितने ही है। $15 के ढेर सारे भर भर के चिप्स, 66 packs छोटे छोटे वाले। तो हम हेल्दी होना चाहते हैं और ये सब चीजें दिख जाती है। बफेलो चिकन विंग्स ही है ना, पता नहीं क्या है, बफेलो विंग्स, विंग्स ही सही कहा था मैंने। चिकन ब्रेस्ट भाई बहुत महंगे यार, मन कर रहा है लेने का, बस टिकट। हेल्दी खाना उठाते हैं। बीफ पैटीज ये देखो, ये सब तो हम खाते नहीं है भाई, दूर रहते हैं। बारामुंडी फिश हो गई, बसा फिलेट्स हो गए। बारामुंडी फिश कितने की है? बारामुंडी फिश 2 किलो है भाई, $35 की, देख लो। चिकन ब्रेस्ट लेते हैं, प्रॉन्स वगैरह भी है, ये सब भी हम नहीं खाते। फिर मैं दिखा क्यों रहा हूँ, हम नहीं खाते तो देख क्यों रहा हूँ, हम नहीं खाते। स्क्विड भी है भाई, स्क्विड पकौड़े, बहुत गलत चीज़ आ रही है आगे, तो खाते भी नहीं है। तो दिखाने में शर्म नहीं है, अच्छा ही लगता है। नहीं चिकन की ज्यादा आइटम है तो। ओ भाई ट्रॉली टूट गई भाई। अगर हम हेल्दी चीजें देखें तो ये जूसेस वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। ये कम्बुचा, पैशन फ्रूट, ये भी जूस ही होता है, बियर नहीं होती। तो ये सारे भी बाल्टी भर के रखे हुए जूस, कौन पिए भाई मीठा। और ये है, ये लिखे डो नॉट रीच और क्लाइम इन स्टील, तो ये रब $14 का। नहीं भाई ज़्यादा, पता शुरू शुरू में आप ऑस्ट्रेलिया आते हो ना, आपको तो ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले, पर कुछ टाइम हो जाता ना तो यू थिंक दुनिया समझ आ रही है, मतलब पहले फालतू के खर्चे। मैंगो लस्सी, ओहो ये लेनी है भाई मेरे को, $5 की 1 लीटर मैंगो लस्सी भाई, वाओ। आई ना कुछ बात, इंडियन चीज तो मजेदार। मैंगो लस्सी खाली हो रखी है, काफी लोगों ने ले ली, ले लेते हैं भाई मैंगो लस्सी। ये बच्चों को बिगाड़ने का सामान लगा हुआ है, ये पता नहीं क्या है भाई, गलत चीज है, मतलब सॉसेजेस ही है और कुछ नहीं है, गलत मत समझना। आलमंड नगेट्स, ये भाई पूरा सामान भर भर के सब कुछ मिल रहा है इधर, 2 भी मिल रहे हैं, 1 नहीं मिल रहा। देखो 1 kg के ईच हैं, और कितने के हैं? $18 के, $900 के 2 किलो। मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा क्या आलू, अभी तक हमने ये लिया है सर ने, एक टी शर्ट ये, और ये बातें मार रही तब से। भाई मैंने दूर से पढ़ लिया और गैस मिक्स मार के सर, ऑर्गेनिक है ये, लेना चाहिए नहीं, मुझे मन कर रहा है लेने का। एप्पल है, पोमोग्रेनेट जूस से ना अपनी जीभ कटती है तो मज़ा नहीं आता। कोई अंडे ले लेते हैं, ये याकुल्ट, यानी ये नहीं, ये अलग है, याकुल्ट नहीं है इनके पास। शहर वहाँ से दूध उतार के देगी शहर, वही तेरी दुकान है ना, ये ऊपर से दूध उतार के देगी, ऊपर से उतार के दे देना शहर। अभी हमको उठाने हैं अंडे, अंडे कितने के भाई? $9 के, काफी सारे भर भर के ये ले लेते हैं, मस्त। ये भाई इसको पिंपल्स की हो रहे हैं अंडे को। 3 लीटर दूध है $3.49 का, और दूध की भी भाई एक्सपायरी होती है। क्या हो गया, ये क्या सोच रही है, ऐसे वेट करती हैं लड़कियां मेरे लिए। कैन है 36 कैन, कितने के सर? $27 के, हाँ $27 के कैन है, कोक नो शुगर, हाँ 24 कैन 34 के बॉटल है वो। ओके आर यू ड्रंक? पेप्सी तो है नहीं, कोक है इनके पास, पेप्सी वाले से लड़ाई रखी इनकी। सर यार बड़े दिन हो गए, ड्राइड स्ट्रॉबेरी नहीं खाई मैंने, वहाँ रखी हुई है वो, देखो वो रही ऊपर दुकान में, मतलब इतनी बड़ी दुकान में तुम्हें सारी ऊपर की चीजें क्यों दिख रही हैं? भाई लिटरली हम इतने छोटे हैं भाई, 5-9, 5-10 मेरी हाइट है, और सामान देखो कहाँ तक रखा हुआ है, अभी ये भी मेरी जितनी है, तो वो देखो सामान कितना ऊपर तक है, वो ऊपर और ऊपर। सिर्फ कपड़े धोने वाला दिलाइयो, वो है विम लिक्विड, पर ये दो है, 2 कितने के? $10 के, 1 साल के बर्तन धुल जाएंगे इससे। रेडबुल चाहिए किसी को? पूरी पेटी ऊपर रही है, ब्रेड रखी है सामने, ब्रेड भी भाई 1 नहीं मिलती, 2 मिल रही है, 2 का फायदा नहीं है ना यहाँ पे सिस्टम, जो लो 2 लो। बंस भी रखे हुए काफी सारे, अरे भाई इतनी पॉटी कौन धोएगा, इतनी पॉटी कौन धोएगा, कितने का है? 24 इतने सारे 48 रोल्स है, तुम कितने थे? 14 के 10 रोल, इतनी पॉटी कौन धोएगा यार, काफी ज्यादा नहीं है ये? आधे आधे कर रहे हैं, अकेले भी लेने हैं, कह रहा था इन रोल्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो लाइनें हैं, इससे एक मिनट बोल रहा हूँ, इससे ना डोई छिल जाती है, तो ये थोड़े से महंगे हैं, इसमें डोई मुलायम रहती है, क्योंकि $30 के हैं और वो 24 के, तो वी विल गो फॉर दैट वन नॉट दिस वन।
वही तेरे पास एक फालतू नहीं जाना चाहिए, बराबर काटेंगे इसको 24 में, हाफ हाफ कर रहे हैं ना। तो भाई सैर ने कहा मेरे को भी अलग लेने हैं, ये भी अलग, तो 96 रोल्स। तो भाई मैंने अभी दोस्त को फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे मस्त पॉटी साफ़ करने का जुगाड़ सस्ते में मिल रहा है, तो एक अक्की के लिए ले लिया, ये मैं शहर बांट लेंगे, वो मस्त पॉटी देगा। इधर तो घूम लिया ना शहर वापस, फिर वो उतार के दियो मैं भाई यहाँ पे दारू वगैरह भी रखी है, मेरे को रेट रूट का कोई आइडिया नहीं है। तो $57 की ब्लैक लेवल है भाई एक बॉटल, और ये देख लो 52 की है, ये देख लो भाई बस क्या है। नहीं नहीं भाई हम नहीं पीते, ये सारा लगा हुआ देख, वो दारू ही दारू, अंधी दारू। हाँ तो चक्कर मार रहे हैं, हम तो पीते नहीं शेर, वो दारू उतार के दिए ऊपर से। तो अभी आई थिंक ब्लॉग काफ़ी बड़ा बन गया, मैंने सिर्फ आपको ये वाली साइड दिखाई है, अभी ये बीच वाली साइड है और उसके साइड भी कॉस्टको है, मैंने तो अभी आपको उस साइड की दिखाई है, तो आगे की मैं आपको किसी और वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है अभी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कुछ अच्छी लगी बहुत अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भाई। तो अभी ये अपना पिटारा इकट्ठा हुआ है, घर लेके जाएंगे बांटेंगे अलग अलग, तो टिल देन बाय, लव यू, लव फ्रॉम सिडनी, बहुत बढ़िया प्लीज़। चॉकलेट्स अगले ब्लॉग में या फिर कभी दिखाएंगे, बहुत पक गए लोगे देख देख के, कोई नहीं। ओरिजिनल आलमंड मिल्क छः डॉलर साढ़े $5 का।